जिले के गांव हिंडोल के राजकीय हाई स्कूल में अध्यापकों की कमी के चलते ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया, जिसके चलते विद्यार्थियों व स्कूल स्टाफ को 2 घंटे तक गेट पर ही खड़े रहना पड़ा। बाद में पुलिस व शिक्षा अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया और ताला खुलवाया। हालांकि ग्रामीणों ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर फिर से स्कूल को ताला जड़ देंगे। बता दें, गांव हिंडोल के राजकीय हाई स्कूल में पिछले काफी समय से गणित सहित कई विषयों के अध्यापक नहीं होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। हालांकि ग्रामीणों ने इस संबंध में शिक्षा अधिकारियों के साथ साथ प्रशासन को भी अवगत करवाया, बावजूद इसके समाधान नहीं होने पर सरपंच रामफल की अगुवाई में ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के विरोध के चलते विद्यार्थियों व स्कूल स्टाफ सदस्यों को गेट पर खड़े रहना पड़ा। बाद में बोंदकला पुलिस व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद ही विद्यार्थियों व स्कूल स्टाफ की स्कूल में एंट्री हो पाई। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि स्कूल गेट को ताला लगाने की सूचना पर वे स्वयं मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। स्कूल में गणित का अध्यापक स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाएगा और स्टाफ की कमी को लेकर मुख्यालय को अवगत करवाते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है। आज सवेरे ही SHO बोंदकला का फोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझे बताया कि हिंडोल गांव में ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है और बच्चे बाहर खड़े हैं, स्टाफ भी बाहर खड़ा है, आप इसका समाधान हेतु पहुँचो। मैं जैसे ही वहाँ पर गया तो मुझे बच्चे तो स्कूल के अंदर ही मिले, स्टाफ मेंबर्स बाहर खड़े थे और ग्रामीण जिनमें 20-25 थे वो बाहर खड़े थे और मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन जो छोटा गेट है वो खुला हुआ था। तो छोटे गेट के माध्यम से मैं और सभी पंचायत मेंबर्स और सभी स्टाफ मेंबर्स विद्यालय में पहुँचे, ग्रामीणों से बातचीत की। मैं थे कि टीचर की वहाँ पे एक समस्या थी, उनकी पोस्ट कैप्ट है, उसे खुलवाने की उनकी डिमांड थी, तो उनकी डिमांड ले ली गई है और वो उच्चाधिकारियों को हम भेज देंगे और जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। ग्रामीण संतुष्ट होकर चले गए थे और ताला खोल दिया गया था और बच्चे सुचारू रूप से पढ़ाई करने लगे थे, स्टाफ भी पढ़ाने लगा था। इस तरह की कुछ समस्याएं और गाँव में भी हैं जहाँ प्राथमिक शिक्षक या 10वीं तक के जो TGT हैं उनकी कुछ कमी है। कुछ ग्रामीणों के प्रस्ताव आए हैं, उनको हमने विभाग के पास भेज दिया है, उपायुक्त महोदय के माध्यम से भी भेज दिया है, जल्द ही समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। हाँ, अगर अध्यापक नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई पर नेचुरली असर पड़ना तो ज़रूरी है, फिर भी हम SMC के माध्यम से और अपने प्रेरित करते हैं कि वो गांव के युवा को या किसी सेक्शन जो भी पढ़ाने का सेक्शन है वॉलंटरी सेवाएं देने का अगर कोई तैयार है तो उसकी सेवाएं लेकर के किसी न किसी तरह पढ़ाई को संपूर्ण रखा जाए। या कई बार हम किसी पड़ोस के विद्यालय के टीचर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वॉलंटरी तौर पर वो अपना अतिरिक्त समय निकाल करके शिक्षा में अपना योगदान दे ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। हाँ, मैं वीरेंद्र कुमार मलिक हूँ और जिला चरखीदादरी में पिछले 2.5 साल से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और पहली से 8वीं तक की पढ़ाई और उनके बच्चों की और टीचर्स की समस्याओं को देखना, उनका समाधान करना मेरा काम है।